हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप करता हूं आप मजे में होंगे। गाइस, आप कह रहे थे कि वीडियो में क्यों नहीं डाल रहा हूं। भाई मैं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो चुका हूं इस स्काईडेजम की वजह से। और ये रहा सार्थक, ये भी आज टाइम निकाल के आया है। पूरी टीम आ रखी है, मामा इन द हाउस। वो देखो, व्यू चेक करना है। देव इसका ध्यान सिर्फ पतंग उड़ाने पर और किसी काम पे नहीं है। और आज बेसिकली हम पतंग उड़ाने के लिए टाइम बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आज सैटरडे और काफ़ी लोग आज मांझा लेने आए थे। बस उनको मांझा वगैरह प्रोवाइड करा के हम छत पे आ चुके हैं। और डिसअपॉइंटमेंट सबसे ज़्यादा तब होती है जब इतनी मुश्किल टाइम निकालते और हवा ना चल रही हो। जितनी भी चल रही है, जितनी काइट फाइटिंग करेंगे बस कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको पहले पतंगे दिखा देता हूँ, बहुत यूनिक पतंगे लेकर आया हूँ। स्टार्ट। तो गाइस पहले मैं पतंगे दिखा दूँ। हाँ, एक चीज़ और, काफ़ी सारी पतंगे ना मैं स्टॉक में जब इधर उधर करता हूँ तो थोड़ी बहुत उसमें दिक्कतें आ जाती हैं, तो मैंने जो अपनी फ्रेश वाली पतंगे थी वो साइड कर दी हैं। और अभी जैसे 10, 11, 12 तारीख है, मैं सोच रहा था जितनी पतंगों में थोड़ा बहुत माइनर इशूज़ थे उनको मुड़ा दें। जैसे हमारी कुछ कुछ पतंगे ये रही, ठीक है, ये रस्ते में फट गई अजंता पेपर पे, ये सब ठीक है, ये थोड़ी सी इसका ये खुल गया, लेकिन इससे कोई मेजर एक टेप लगेगी ठीक हो जाएगी। तो ये सारी पतंगे पड़ी रहेंगी तो फट जाएंगी, इसलिए मैं इनको पहले उड़ा दूंगा। उसके बाद ये पतंगे देखो, कुछ पतंगे और ऐड करी हैं। ये जीवन की पतंग है अजंता पेपर पे, ये मेरे को पहले भी थी। उसके बाद ये पतंग देखो, अब मैं तिरंगे उड़ाता नहीं तो तिरंगे में दूसरा पैटर्न लाया हूँ, एक बहुत यूनिक पतंग है, 1.5 साल पुरानी। उसके बाद ये तो पूरा ही समझो इसको बेकार है, मंजोली, और ये भी मंजोली है आराम से, ठीक है। ये अपना अधी, ये हुकुम चंद का पौना, ये थी पतंग 18 रुपये की, मैं 50 लाया था अपने लिए और काफ़ी लोग आए, सबको देनी पड़ी। बाद में एक बची मैंने जस्ट इससे रखी ताकि मैं उड़ा के देख लूँ कैसी पतंग है। ये अपनी अद्धी जो हम रेगुलर उड़ाई रहते हैं, और ये चेक करो जाए। ये पतंग है फहीम की, एक बार उसको जूम कर, और बहुत पुरानी, बहुत पुरानी पतंग है ये सैंडी भाई की तरफ से आई थी। ये सारी मुरादाबाद की, तो फहीम की, ठीक है। उसके बाद ये देखो फहीम, सब अजंता पेपर रखा हुआ। तो इन पतंगों को मैं लाया हूँ टेस्टिंग के लिए। अब जैसे इसमें देखो हल्की सी फट गई, अगर मैं इसको बैग में रखूँगा तो ये और फटने के चांसेस हैं, इसलिए आई थॉट कि पहले जितनी पतंगों में दिक्कत है उसको उड़ा दें। ये पतंग है तबरेज़ की, मैं दिखाता हूँ, मैंने कन्ने पार कर दिया। ये पतंग चेक करो, तबरेज़ की पतंग है, मुरादाबाद, 3-4 साल पुरानी पतंग है और बहुत सॉलिड पतंग है। इधर फोकस कर, तबरेज, ये पतंग पार करेंगे, रियल अजंता। और बहुत सारी पतंगें मैं अजंता पे इकट्ठा कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे नया पेपर उतना कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये बेस्ट था। बाकी चलो, और सडनली हवा चलने लगी है अपने आप ऑटोमेटिक, बस चलती रहे आधा घंटा ताकि हम एंजॉय कर लें। बाहर काफ़ी दिन से पतंग नहीं उड़ा पा रहे थे। इसका दिखा वीडियो में कुछ कह रहा है, ये देखियो मैचिंग कर रहा है ऑरेंज के साथ, ऑरेंज वो देख नीचे आगे ना, इससे कुछ हो रहा है। भाई हम जा रहे हैं पेज की तरफ, ये जो घूम रही है पता नहीं अपनी है, पकड़ो ये रोज। और ये कैमरा ऑन होने से पहले ही काट दिया। अभी हमने डोर यूज करी है, वो है हमारी पिछले साल की, देख पिछले साल की थी ना ये, और बहुत सॉलिड, बिल्कुल स्मूथ मांझा। पर ये भी काट रहा है, अच्छा निंजा धुला हुआ, लास्ट ईयर आपको दिखाया था मैंने, पेज बन रहा है। नीचे वाली पतंग सार्थक की है, कलरफुल अपोनेंट की, ये देखो गाइस, खींचता हुआ निकाली 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 निकाली, गेट तक खींचता चला गया, वो काटे, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन पेज। खैर उसने कुछ किया भी नहीं, पर अच्छा पेज नहीं बताना। गाइस पतंगे कम थी इसलिए हमने 3 उड़ा दी, ताकि आसमान भरा भरा लगे। ये अपनी सार्थक वाली ऊपर बीच में, ये लेफ्ट वाली देव की, ये नीचे में थी, आपस में पेज से बच रहे हैं, देव की मत काटे, देव की मत का। और बस नहीं भाई, किस किस से हो जाएगा, मैं तो नीचे आ गया इसके, तो तू ऊपर है। ओ
ठीक चल रही थी, हमारी नजर लगी। सबसे ऊंची पतंग को देख लिया, उसमें भी हवा नहीं लगी। आपस में भी लड़ा रहा है। ये भाई तेरी काट दी क्या मैंने? और मेरी काट दी ले भाई। तो गाइस मेरी पतंग कट गई, इन्हें हाथ से पेच चला दिया, इसको कोई अपोनेंट नहीं मिल रहा था। ये देखो मान जी की मैगी, क्योंकि सद्दी नहीं है और लपेटने वाला कोई नहीं है। देखो इसको, देखो इसकी पतंग ऊपर पूरी। गाइस हवा रुक चुकी है, हवा आसमान में पतंगे बहुत हैं, लेकिन सब हवा ना चलने के कारण एकदम ऐसे डेड पड़ी हुई हैं। अब हम कहाँ से कंटेंट क्रिएट करें बताओ, मतलब क्या पेज करें? हमारा मेन कंटेंट काइट फाइटिंग है, कैसे? हाँ भाई कैसे हो पाएगा? ओए क्या पता भाई। गाइस थक गया यार मैं। एक चीज़ होती है पतंग जो मैं उड़ा के खुश रहता था, अब मेरी खुशी चली गई है। इनको देखो कुछ नौकरियों की बात हो रही है इधर। इसको मैं बिजनेस मैन बनाना चाह रहा हूँ। और इसको देखो ये है ना, वो तो इसको फायदा नहीं है गाइस, बिजनेस करो बिजनेस भाई। कुछ नहीं, सारी इतनी सारी पतंगें उड़ रही है, सब उतर गई हैं, और अब हम बेवकूफ़ी की तरह छत पे बैठे हैं। इतनी सारी पतंग ले क्या फ़ायदा इस मटेरियल का? क्या फ़ायदा इस सब मटेरियल का? क्या फ़ायदा? कुछ हो रहा है फ़ायदा? बेकार है भाई। इससे बढ़िया तो लाल कुआं वाले थे जो 480 रुपये का सैकड़ा ले आए थे, अब बर्बाद भी जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला। हटो यार इसकी मत बनाइयो। जब घर से निकल जाता हूँ किसी का नहीं होता। हट यार उतार, ले बैठ जा। यही काम रहेगा लिफ्ट माने के बस। ये हवा ही नहीं चल रही यार इतनी। करना ट्राई एक बार और। नहीं गाइस पतंग तो उड़ा नहीं पाए, तो हम डिकैथलॉन आ गए हैं, मतलब यहाँ पे मॉल आ गए हम। कौन सा मॉल है ये? रेडिसन। अच्छा अगर हवा नहीं चली तो यही करना है क्या? कौन सा मॉडल है? VR 650। ये पिटवाएंगे भाई, पिटवाएंगे। तो गाइस हम ये लेने का प्लान कर रहे हैं 15 अगस्त में। इसी तो आई नहीं पाएगा फिट इसमें, इस वाली में तो आई जाएगा। वो बाहर जो मिलते हैं हाईवे पे मिलते हैं जो है वो। गाइस चेक करो गाइस, कहाँ जाना है भाई हम? बाबे हो चेक करो यहाँ चले। गाइस देख रहे हो क्या क्या करना पड़ रहा है, पतंग नहीं उड़ा पा रहे हम।